देखिए, हमारे कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो बूथ पर अपना वोट डालने में समर्थ नहीं होते, उन्हें बूथ तक जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे मतदाताओं को चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है कि घर बैठे ही वो वोट डाल सकेंगे। मतदान पार्टी उनके घर जाएगी और उनका वोट डलवाई जाएगी। ऐसे मतदाता बूथ पर जाने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये अनुपस्थित मतदाता है। घर घर वोट डलवाया जाएगा, तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को होम वोटिंग बोला जाता है। और ये जो हमारे मतदाता होते हैं इनको अनुपस्थित मतदाता बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एब्सेंटी वोटर कहा जाता है। अनुपस्थित मतदाता को इंग्लिश में एब्सेंटी वोटर कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो तरीके के मतदाता है, एक तो हमारे दिव्यांग मतदाता और एक हमारे वरिष्ठ नागरिक। दिव्यांग व्यक्ति, वह दिव्यांग व्यक्ति जिसकी दिव्यांगता 40% या इससे ऊपर की हो, इस श्रेणी में आएगा। उम्र का इसमें कोई दायरा नहीं है, दिव्यांग किसी भी उम्र का हो सकता है, बशर्ते उसकी जो दिव्यांगता है 40% या उससे ऊपर की हो और उसके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र हो, दिव्यांग। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे AVPD। आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि आगे यह बहुत जगह आएगा AVPD। AVPD को ए का मतलब एबसेंटी, बी का मतलब वोटर, एबसेंटी वोटर, और PD का जो मतलब होता है पर्सन विद डिजेबिलिटी, PWD, पर्सन विद डिजेबिलिटी होता है इसका मतलब। PWD का मतलब दिव्यांग होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ PW लिखा गया है। PD यानी AVPD, इसका मतलब दिव्यांग होता है, दिव्यांग मतदाता, अनुपस्थित दिव्यांग व्यक्ति। फिर 85 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक है, उनको भी अधिकार है, वे भी घर बैठे वोट डाल लेंगे। और इसको आप देख सकते हैं, हमारे ये बुजुर्ग व्यक्ति है, इनको कहा जाएगा एब्सेंटी वोटर, AVSC यानी एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन, इसका मतलब होता है। तो ये जो दो मतलब है आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बार बार प्रपत्रों में ये आएंगे तो इनका मतलब आपको समझना होगा। देखिए, इस होम वोटिंग में जो होम वोटिंग चाहता है कोई दिव्यांग व्यक्ति या वरिष्ठ नागरिक, उससे BLO द्वारा फॉर्म 12D वह भरवाया जाता है अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंतर्गत, और BLO से ही वो कलेक्ट किया जाता है। इस तरीके से यह कलेक्ट होने के बाद विधानसभा वाइज ऐसे मतदाताओं की सूची बनाई जाती है। विधानसभा वार, जैसे मान के चलो विधानसभा अलग अलग है, उनमें विधानसभा में देख लिया जाता है कि कितने कितने मतदाता है, और फिर विधानसभाओं को क्लस्टर में तोड़ लिया जाता है, क्लस्टर 1, 2, 3, 4। जैसे मान के चलो किसी विधानसभा में 100 मतदाता ऐसे हैं जो घर घर वोट डालेंगे, तो उनको क्लस्टर में तोड़ लिया जाएगा, क्लस्टर नंबर 1, क्लस्टर नंबर 2, क्लस्टर नंबर 3, क्लस्टर नंबर 4, दूरी के हिसाब से, ताकि जो पार्टी होती है मतदान पार्टी, वह घर घर जाकर वोट डलवाएगी, तो भौगोलिक दूरी के हिसाब से क्लस्टर बना लिए जाते हैं, सुविधा देख कर कि जल्दी कहाँ कहाँ मतदान पार्टी घूम कर उनका वोट डलवा लेगी। तो इस तरीके से क्लस्टर में बट जाती है हर विधानसभा। अब एक उदाहरण लेते हैं हम शामली का, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह शामली जनपद है, इसमें हमारी 3 विधानसभा हो गई, और शामली जनपद के कुल 558 मतदाता हैं जिनको घर घर वोट कराया जाएगा। तो शामली विधानसभा में 5 क्लस्टर हो गए और प्रत्येक क्लस्टर में मतदाताओं की संख्या है, इस तरीके से कुल 18 क्लस्टर हैं। देखिए, हमारे 18 क्लस्टर बने हैं, प्रत्येक क्लस्टर में एक एक पार्टी गठित कराई जाएगी ताकि वह मतदान जाकर कराए। तो एक क्लस्टर में एक पार्टी होगी, और पार्टी में कितने अधिकारी होंगे आइए देखते हैं। जो हमारी मतदान पार्टी होगी उसमें हमारे 2 तो मतदान अधिकारी होंगे जो मतदान की प्रक्रिया करेंगे, एक उनमें माइक्रो ऑब्जर्वर होगा जो समस्त प्रक्रिया को देखेगा किस तरीके से हो रही है, एक वीडियोग्राफर का काम होगा वीडियो बनाना, वहाँ वीडियोग्राफर द्वारा वीडियो बनाई जाएगी, और जो मतदान देगा, मतदान कक्ष में जो मतदाता अपना वोट अंकित करेगा, सिर्फ उस जगह को छोड़कर, वीडियोग्राफर उस चीज़ की वीडियोग्राफी नहीं करेगा, मतदान की गोपनीयता बनी रहे, उस चीज़ को कैमरे में नहीं लेगा, बाकी अन्य सभी चीज़ों की वीडियोग्राफी वीडियोग्राफर द्वारा की जाएगी। और पुलिसकर्मी, मतदान पार्टी के साथ पुलिसकर्मी भी जाएंगे ताकि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, और कोई दबंग व्यक्ति
मतदान को प्रभावित ना कर सके, गांव शहर में जहां भी मतदान पार्टी जाएगी उस सब के लिए पुलिसकर्मी भी मतदान पार्टी के साथ होते हैं और मतदान पार्टी को अभिरक्षा, उनकी रक्षा के लिए होते हैं। और जो मतपत्र होते हैं, मतपत्र कैनवास बैग में डल कर आएंगे, उन सभी की सुरक्षा हेतु मतदान पार्टी के साथ पुलिसकर्मी का रहना भी ज़रूरी होता है। इसलिए पुलिसकर्मी भी एक या दो जितनी भी संख्या में सुविधानुसार मतदान पार्टी के साथ पुलिसकर्मी भी लगे होते हैं। तो देखिए, यह जो मतदान होता है घर घर वोटिंग का, चुनाव से एक दिन पहले तक संपन्न हो जाना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसको 4 से 5 दिन पहले करा लिया जाता है। उदाहरण के रूप में हम अगर जनपद शामली का उदाहरण लेते हैं अपने यहाँ का, तो हमारे यहाँ दिनांक 19 अप्रैल में चुनाव है, तो 19 अप्रैल से 4-5 दिन पहले यानी 14 अप्रैल और 15 अप्रैल में संपन्न करा लिया जाएगा। जब मतदान की दिनांक घोषित हो जाती है तब राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें इस बारे में बता दिया जाएगा कि फलां दिनांक में घर घर जाकर होम वोटिंग होगा। और राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार होते हैं जहां जिस गांव में मतदान होगा वहां फॉर्म 10 होता है एजेंट घोषित करने का, राजनीतिक दल वहां अपने एजेंट बनवा सकते हैं और एजेंट संपूर्ण प्रक्रिया को देख सकते हैं मतदान किस तरीके से हो रहा है। यानी जैसे एजेंट बूथ पर बनते हैं ऐसे एजेंट भी बनने की इसमें प्रावधान होता है, तो उम्मीदवार अपना एजेंट फॉर्म 10 पर घोषित करवा सकते हैं। दूसरा BLO, जो हमारे मतदाता है जो यह सुविधा प्राप्त कर रहे हैं उनको जो संबंधित BLO है, गाँव के BLO, उन्हें बताएंगे कि फला दिनांक में मतदान पार्टी आपके घर आएगी, आपको अपने घर मिलना है। BLO द्वारा मतदाताओं को इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। इसमें BLO SMS भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 12 जो होता है उसमें दिव्यांग जब भरते हैं BLO को देते हैं कि भाई मुझे अपना वोट डालना है, फॉर्म 12 प्रदान करते हैं उसको इस लिए BLO को, तो फॉर्म 12 में दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक अपना मोबाइल नंबर देते हैं, तो उस मोबाइल नंबर पर BLO SMS भी करेंगे या मोबाइल पर कॉल के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि आपके यहाँ ऐसे ऐसे होम वोटिंग होगा, पोलिंग पार्टी आपके घर आपकी वोट डलवाने आएगी, आपको घर पर मिलना है, या भौतिक रूप से जाकर सूचना उनको BLO को देनी होगी दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को कि फला दिनांक में आपके यहाँ वोट है, आपको घर पर मिलना है। अब जिस दिन मतदान होगा पार्टी रवानगी होगी, उस दिन पार्टी रवानगी के समय एक आपको चेकलिस्ट मिलेगी, चेकलिस्ट के हिसाब से आप अपना सामान चेक कर लीजिए, कोई सामान अधूरा तो नहीं है, अगर अधूरा है तो पूरा सामान आप ले लीजिए। चेकलिस्ट में वैसे तो बहुत सारे सामान हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकलिस्ट दी है, सामान्यतः इसी तरीके की चेकलिस्ट होगी, आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य चीज़ें वो आपको बताना चाहूँगा, चेकलिस्ट में आप ज़रूर उसको देख लें। नंबर 1, क्लस्टर सूची। एक क्लस्टर की एक टीम है, आप उस क्लस्टर के मतदान अधिकारी है, आप ये देख लीजिए कि आपको क्लस्टर की सूची मिल गई या नहीं मिल गई, आपको जो क्लस्टर मिला है उसी क्लस्टर की सूची मिली है अथवा नहीं, इस चीज़ को आप देख लीजिए। क्लस्टर सूची बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पोस्टर बैलेट, 13 कैक है गए, देखिए मानकर चलिए आपकी क्लस्टर सूची में 100 मतदाता हैं दिव्यांग और 85+, तो आपको 10% अधिक पोस्टर बैलेट दिए जाएंगे, यानी 110 पोस्टर बैलेट कम से कम आपके पास होने चाहिए, तो 10% अधिक मात्रा में क्लस्टर सूची में जो मतदाता है उससे 10% अधिक मात्रा में पोस्टर बैलेट होने चाहिए। 13 कै पोस्टर बैलेट और 13 कै सभी एक समान मात्रा में होना चाहिए, यानी पूरा का पूरा जो सेट बनता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 चीज़ें समान मात्रा में आपके पास होने चाहिए 10% अधिक। मतदाता से 10% मतदाता की जो संख्या उससे 10% अधिक पोस्टर बैलेट होने चाहिए, उससे 10% अधिक 13 कै होने चाहिए, उससे 10% अधिक 13 कै होने चाहिए, उससे 10% अधिक 13 गै, उससे 10% अधिक 13 गै। फिर अनेक्सर 10 और अनेक्सर 11 और फॉर्म 10 भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। एक वोटिंग कंपार्टमेंट जो गत्ते का बना होता है वो आपके पास हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अमिट शाही और ब्राज़ील, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पास होने चाहिए। उसमें बड़ा कैनवास बैग भी आपके पास होना चाहिए, उसमें वोट उसी में शाम के समय लाए जाएंगे सील करके। और फिर अन्य सामान में बहुत सारी चीज़ें हैं, गोंद, लाख, माचिस, सुई, धागा, लिफाफे, पेन इत्यादि छोटे छोटे सामान होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। आपके पास ये हो जाएगी, फिर आपको एक गाड़ी दी जाएगी, उसमें पुलिस भी आपके साथ जाएगी और गाड़ी से आप रवानगी आपकी
हो जाएगी, गाड़ी से आप अपने मतदेय स्थल पर पहुंच जाएंगे। गाड़ी देखिए, आप पार्टी रवानगी हो जाती है, आपको जो क्लस्टर सूची मिली है उसमें वहाँ के BLO का, जो जहाँ जिस आप गांव में जाएंगे क्लस्टर में, उस BLO का और वहाँ के लेखपाल का नंबर होगा। आप मोबाइल फ़ोन पर उनसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि BLO व लेखपाल ही आपको दिव्यांगजनों के घर घर ले जाएंगे, क्योंकि उनको लोकल की जानकारी रहती है, उनको पता होता है कि कौन सा मतदाता का घर कहाँ है, वो आपको वहाँ ले जाएंगे। अब मानकर चलिए आप मतदाता के घर चले जाते हैं, मतदाता का घर है और उसके बाहर कैसे कैसे तैयारी करेंगे। मानकर चलिए सबसे पहले आपने एक ऐसा कमरा चुन लिया जहाँ, जिस कमरे के अंदर दिव्यांग का आप वरिष्ठ नागरिक का वोट डलवाएंगे, तो उस कमरे से बाहर की क्या तैयारी होगी या दिव्यांग के घर के बाहर की क्या तैयारी होगी। मानकर चलिए हम फोटो में देखते हैं, ये एक कमरा है, इस कमरे में ये गेट है कमरे का, और ये एक खिड़की है इस तरीके की, तो इसके बाहर की तैयारी क्या होगी। जो हमारे पुलिसकर्मी होंगे, हमारी पार्टी के साथ पुलिसकर्मी थे, पुलिसकर्मी कमरे के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही खड़े रहेंगे। पुलिसकर्मी का काम है वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो ज़्यादा, बहुत कोतूहल न हो, भीड़ अगर आती है तो उसको समझा दे पुलिसकर्मी कि मतदान हो रहा है और आप यहाँ से चले जाइए, भीड़ भाड़ मत कीजिए। तो पुलिसकर्मी इसी वजह से वहाँ होते हैं, तो पब्लिक को इकट्ठा नहीं होने देना है, पुलिस कर्मचारियों को। वहाँ शांतिपूर्ण मतदान होगा, कोई भीड़ भाड़ वाला मामला नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, तो पुलिसकर्मियों का यहाँ ऐसा ड्यूटी होगा। दूसरा, जो BLO लेखपाल मतदान पार्टी को घर घर ले जा रहे हैं, BLO और लेखपाल भी कमरे के बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, मतदान अभिकर्ता, अगर मतदान अभिकर्ता मौके पर पहुंच जाते हैं और एजेंट बनना चाहते हैं और एजेंट बन जाते हैं, फॉर्म 10 पर एजेंट नियुक्त हो जाते हैं, तो ही उसके बाद वहाँ रह सकते हैं और कमरे के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही खड़े रहेंगे, मतदान एजेंट भी बाहर ही खड़े रहेंगे। ये इस तरीके से मतदान से पूर्व की तैयारी कर लेनी होगी। ये तो कमरे से बाहर की तैयारी है, जिस कमरे में वोटिंग करेगा दिव्यांग या मतदाता वरिष्ठ नागरिक, उससे बाहर की तैयारी है। और पुलिसकर्मी दिव्यांग व्यक्ति या जो वरिष्ठ नागरिक है उनके घर वाले हैं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति जो मतदाता है उसको ही अंदर जाने देंगे उस कमरे में, बाकी उनके किसी सगे संबंधी को नहीं जाने देंगे। अच्छा, कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है आँखों से वह अपना वोट अंकित नहीं कर सकता, हाथ से दिव्यांग है वो हाथ से अपना वोट अंकित नहीं कर सकता, कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है बीमार है बहुत, वह वोट देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस मतदाता को एक साथी मतदाता मिलता है, उसे साथी मतदाता बनाने का अधिकार है, वह साथी मतदाता ही मतदान की प्रक्रिया करेगा। तो जो पुलिसकर्मी है उनको अंदर जाने देंगे साथी मतदाता को, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है, क्योंकि साथी मतदाता ही उसका वोट अंकित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतदान के कमरे के बाहर की तैयारी हो गई। अब अंदर की तैयारी देखते हैं, अब कमरे के अंदर की तैयारी करनी होगी। मानकर चलिए यहाँ गेट है, गेट के पास लगती जो जगह है, मतदान अधिकारी, दो मतदान अधिकारी है हमारी पार्टी में, वो बैठ जाएंगे किसी बैठने के स्थान पर, कुर्सी वगैरह पर, या तो खड़े भी रह सकते हैं, कोई इतनी देर का काम नहीं होता, माइक्रो ऑब्जर्वर वही वही बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर वहीं बगल में एक मेज़ पर या किसी जगह पर मतदान कक्ष बनाया जाएगा, जो वोटिंग कंपार्टमेंट मिला है वो बनाएंगे इस तरीके से मतदान अधिकारी, और यहाँ मतदाता अपना वोट डालेगा। यह 3 तरीके से मतदान कक्ष खुला होता है, इस तरीके का होता है, और वहाँ मतदान कक्ष में पेन और गोंद भी रख देंगे। ध्यान रखिए कि जो मतदान कक्ष है उसके पास कोई खिड़की ना हो, ताकि कोई बाहर से वोट डालते हुए मतदाता को देख ना पाए, यह गोपनीयता भंग हो जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से मतदान कक्ष बनना चाहिए जहाँ से कोई बाहर उसको देख ना सके। तो अगर कोई खिड़की वगैरह इस तरीके की है तो उस पर पर्दा वगैरह, या उसको खिड़की को बंद कर देना चाहिए, खिड़की, हालांकि मतदान कक्ष में रोशनी होनी चाहिए, कोई ऊपर बल्ब वगैरह हो तो अच्छी बात है, ऐसी जगह मतदान कक्ष बनना चाहिए कमरे के अंदर, जो मतदाता का कमरा है, बल्ब वगैरह रोशनी वगैरह होनी चाहिए, ताकि मतदाता अपना वोट सही तरीके से उस पर अंकित कर सके, वहाँ अंधेरा न हो, लेकिन उसके पास कोई खुली हुई खिड़की वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक वीडियोग्राफर भी कमरे के अंदर होगा,
वह वीडियोग्राफी करेगा समस्त मतदान प्रक्रिया की। और लेकिन ध्यान रहे, जो मतदान कक्ष है जहां वोटिंग हो रही है उसकी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, उसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। तो जो हमारा वीडियोग्राफर है इस तरीके से वीडियोग्राफी करेगा। तो इस तरीके से यह हमारा मतदान का पूरा जो है अंदर की कमरे की तैयारी हो गई। अच्छा, यहाँ अगर कोई एजेंट आता है तो जो हमारे मतदान अधिकारी है फॉर्म नंबर 10 पर एजेंट भी घोषित कर देंगे और एजेंट बाहर ही रहेंगे। इस तरीके से अंदर की तैयारी हो गई। देखिए, अब मतदान की तैयारी हो गई। सबसे पहले मतदाता की पहचान करनी होगी। हमारे दो मतदान अधिकारी हैं, उनमें से ही काम बांट लेना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो दोनों मतदान अधिकारी अपने हिसाब से देख लेंगे किसे क्या काम करना है। तो सबसे पहले मतदाता की पहचान करनी होगी, और मतदाता द्वारा या तो दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, या आधार कार्ड, या ईपिक कार्ड, या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो मतदाता द्वारा दिखा दिया जाएगा मतदान अधिकारियों को। अब मतदान अधिकारी उसे देखने के बाद एक अनेक्सर पुष्टि हो जाने के बाद कि हाँ यह व्यक्ति है और क्लस्टर में उसका नाम है, क्लस्टर सूची से मिलान कर लिया, तो इतना करने के बाद अनेक्सर 10 होगा। अनेक्सर 10 एक रजिस्टर के रूप में उसमें मतदाता की एंट्री करनी होगी। हम इस अनेक्सर 10 को स्क्रीन पर देखेंगे, आइए देखते हैं। यह अनेक्सर 10 में, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ ये AVSC AVPD लिखा हुआ है। AVSC यानी जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अनेक्सर 10 अलग तैयार होगा, और AVPD यानी जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए अनेक्सर 10 अलग से तैयार होगा। तो दोनों के लिए यह अलग अलग तैयार होगा। मानकर चलिए हम AVSC के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसमें रजिस्टर ऑफ वोटर्स ओप, तो यहाँ AVSC भर देंगे और AVPD, COVID-19, AVES वगैरह को काट देंगे, AVSC पर टिक लगा देंगे और AVSC यहाँ रिक्त स्थान में भर भी देंगे। अगर दिव्यांग व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो AVPD इसको भर देंगे। यानी हमें दो अनेक्सर 10 दो अलग अलग तैयार करने हैं, दिव्यांग मतदाता केस में अलग और सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ मतदाता के लिए अलग तैयार करना है। फिर नेम ऑफ स्टेट लिखेंगे, राज्य का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ इलेक्शन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 लिख देंगे, कंसिस्टेंसी में यहाँ जो दिव्यांग की जो लोकसभा है उसका नाम लिख देंगे। फिर वेन्यू OPVC, हाँ इसमें दिव्यांग का जो गांव है उस गांव का नाम लिख देंगे, और फिर नेम ऑफ इलेक्टर में दिव्यांग का नाम लिखेंगे, और सीरियल नंबर इन द लिस्ट ऑफ AVSC AVPD COVID-19 इलेक्टर्स। देखिए, जो दिव्यांग व्यक्ति है उसमें उसका जो सीरियल नंबर है, मतदाता का क्रमांक क्लस्टर सूची में भरा होगा, वह यहाँ भर दिया जाएगा। दिव्यांग का जो मतदाता क्रमांक सूची में वो होता है सीरियल नंबर, उसको भर दिया जाएगा। मतदाता सूची में उसका जो क्रमांक है वह क्लस्टर सूची में लिखा होता है, वहाँ से उसको यहाँ लिख देंगे। फिर डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, दिव्यांग जो भी आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करता है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, DL वगैरह, उसका यहाँ विवरण भर देंगे। उसमें उसका वो संख्या लिख देंगे, जैसे ईपिक कार्ड ईपिक लिख देंगे और उसका पूरा ईपिक नंबर लिख देंगे, दिव्यांग का रजिस्ट्रेशन संख्या वगैरह लिख देंगे जो दिव्यांग प्रमाण पत्र में होता है, और दिव्यांग प्रमाण पत्र इसमें लिख दिया जाएगा। यानी उसका प्रमाण पत्र का नाम लिख दीजिए जो भी प्रमाण पत्र वह दे रहा है, और उसकी संख्या यहाँ भर दीजिए। फिर डेट ऑफ विच वोटेड, जिस दिनांक में मतदान हो रहा है वो दिनांक लिख दी जाएगी, और फिर सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, दिव्यांग का सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन ले लिया जाएगा। अनेक्सर 10 इस तरीके से तैयार होगा, हो गया। अब एक चीज़ और हो सकती है, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो 100% दृष्टि बाधित हो, जिसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, या कोई बीमार व्यक्ति हो, बेहद बीमार व्यक्ति इस तरीके से है कि वो अपना वोट अंकित नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में एक साथी मतदाता मिलता है दिव्यांग को, वरिष्ठ नागरिक को या दिव्यांग को साथी मतदाता मिलता है, उसके लिए यहाँ अनेक्सर 11 भरा जाता है। अनेक्सर 11 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इस तरीके से अनेक्सर 11 है। इसमें एब्सेंटी वोटर इन द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी का दिव्यांग है मतदाता है वह, AVSC है AVPD, इसको भर देंगे। फिर राज्य का नाम लिखेंगे, इलेक्शन का नाम, इस तरीके से इसको भर देंगे। और फिर आई हियर बाय डिक्लेयर इट आई, यहाँ दिव्यांग का या SC का जो मतदाता है, सीनियर सिटीजन है,
AVSC उसका नाम लिख दिया जाएगा, और सिग्नेचर ऑफ कंपेनियन जो साथी मतदाता है जो उसका वोट डालेगा, दिव्यांग या सीनियर सिटीजन का वोट डालेगा जो मदद के रूप में मतदाता है, वह अपना सिग्नेचर यहाँ सिग्नेचर ऑफ कंपेनियन में कर देगा, और नेम ऑफ सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर जो मतदान अधिकारी है वहाँ नीचे अपना इस पर सिग्नेचर कर देंगे। इस तरीके से अनेक्सर 11 पर साथी मतदाता बनाए जाने का अधिकार होता है मतदाताओं को, इस तरीके से वह बन जाएगा। अब इसके बाद मतदाताओं को पोस्टल बैलेट जारी किया जाएगा। पोस्टल बैलेट जारी करते समय जो ऊपर प्रतिपण होता है, पोस्टल बैलेट दो भाग में होता है, प्रतिपण होगा, नीचे उसका पोस्टल बैलेट का मुख्य भाग होगा। प्रतिपण पर मतदान अधिकारी को एंट्री करनी होगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रतिपण है। ऊपर प्रतिपण पर इलेक्टोरल नंबर, ये यहाँ इसमें दिव्यांग या जो वरिष्ठ नागरिक है उसका भाग संख्या निकलना होगा, और नीचे सीरियल नंबर यानी जो मतदाता सूची में दिव्यांग या सीनियर सिटीजन का मतदाता क्रमांक है वह लिखना होगा। और इसके बाद यह है जो सीरियल नंबर दो जगह लिखा है, जो अद्वितीय नंबर होता है, जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में मैंने 123 लिखा है, ऊपर नीचे दो जगह मिलता है, यह है 123। एक 13B लिफाफा होता है, 13B लिफाफे पर यह 123 मतदान अधिकारी को लिख देना होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरीके का 13B लिफाफा होता है, यहाँ सीरियल नंबर और बैलेट पेपर। वह जो 1, 2, 3 नंबर लिखा था वह तो उदाहरण के रूप में है, इसमें एक द्वितीय नंबर होगा, वह इस पर भी लिख देना है, मतदान अधिकारी को ही यह काम करना होगा। अब इतना होने के बाद पोस्टल बैलेट को उलट लेना होगा, और पोस्टल बैलेट पर दो जगह आरओ की मोहर मतदान अधिकारी को लगानी होगी, या तो आरओ की मोहर मतदान अधिकारी की लगी लगाई मतदान अधिकारी को मिल जाएगी जब उसको पार्टी रवानगी हुई थी जब पोस्टल बैलेट मिले थे, और अगर नहीं मिले हैं तो आरओ के दो जगह मोहर लगानी होगी। एक मोहर इस तरीके से होगी कि प्रतिपण के आधे भाग पर, आधी मोहर प्रतिपण पर रहे और आधी मोहर पोस्टल बैलेट पर रहे, और दूसरी मोहर नीचे पोस्टल बैलेट के मुख्य भाग पर रहे, पीछे की साइड में दो मोहर पोस्टल बैलेट के लगानी होगी। अब इतना करने के बाद मोहर लग गई या पहले से लगी लगाई थी, एंट्री हो गई प्रतिपण पर, प्रतिपण से पोस्टल बैलेट को अलग कर दिया जाएगा। अलग करने के बाद जैसे मानकर चलिए यह पोस्टल बैलेट था और प्रतिपण से अलग उसको फाड़कर दिव्यांग को पोस्टल बैलेट दे दिया। अब पोस्टल बैलेट पर मत कैसे अंकित किया जाता है यह उस मतदाता को बताना होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरीके का पोस्टल बैलेट है, उसे बताना होगा जो उम्मीदवार आपका पसंद का है उस पर आप सही का निशान लगाकर ले आइए मतदान कक्ष में, और साथ में उसको जो 13B लिफाफा है वो भी दे दीजिए, उसको कह दीजिए मतदाताओं को इस पर आप सही का निशान लगाकर और इसमें लिफाफे के अंदर उसको डाल दीजिए। कैसे करना होगा, जैसे मानकर चलिए मैं आपको बता रहा हूँ मतदाताओं को क्या काम करना है। सबसे पहले तो पोस्टल बैलेट पर अपना मतंकन करना होगा और फिर उसे मोड़ना होगा। मोड़ने के बाद जो उसे छोटा लिफाफा इस तरीके का मिला है मतदाता को, मतदान कक्ष के अंदर ही उसे सब काम करना है, उसमें डाल देना होगा छोटे लिफाफे मतदाता को। यह सब मतदान अधिकारी का दायित्व है कि मतदाताओं को यह सब बात बताए, और फिर जो मतदाता है उसे इसको इस तरीके से गोंद से सील कर देना होगा। सील करने के बाद ये इस तरीके से लिखा हुआ तो पहले से ही है, मतदान अधिकारी ने ये लिख दिया था। अब इतना होने के बाद एक घोषणा होती है, घोषणा भरी जाएगी, उसकी घोषणा भरवाई जाएगी मतदाता की मतदान अधिकारी द्वारा। इस तरह की घोषणा होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता का लोकसभा का नाम लिखा जाएगा, फिर क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र, जो सीरियल नंबर पोस्टल बैलेट पर लिखा था, जो छोटे लिफाफे पर भी लिखा गया था 1, 2, 3 इस तरीके से यहाँ उसको यहाँ लिख देना होगा दोबारा से। फिर तारीख लिखी जाएगी, फिर मतदाता निर्वाचक के हस्ताक्षर, मान के चलिए मतदाता का नाम हमारे रमेश है, वह अपना नाम लिखेगा यहाँ और अपना पूरा पता भर देगा। फिर नीचे हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन। देखिए अगर कोई मतदाता ऐसा है कि वह आँख से दिव्यांग है, हाथ से लिखा नहीं जाता उसको, या वह निरक्षर है, तो यह हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन वाला हिस्सा भरा जाएगा, यानी उसको साथ ही मतदाता मिल जाता है वोट अंकित करने के लिए, वोट डालने के लिए। मानकर चलिए रमेश इस तरीके का मतदाता है,
तो फिर उसका कोई बहन भाई या कोई सगा संबंधी महेश है तो महेश फिर उसकी वोट डालेगा, उसका यह सब कुछ जो मतदान प्रक्रिया है उसमें उसका साथ देगा। फिर महेश निर्वाचक की जगह में इसका नाम लिख देगा, पहचानने वाले में अपना नाम लिखेगा महेश, अपने महेश हस्ताक्षर करेगा, अपना पूरा पता भरेगा। फिर अनुप्रमाणन ऑफिसर के हस्ताक्षर, जो मतदान अधिकारी है उसमें हमारे एक बड़े अधिकारी होंगे, वह यहाँ अपना हस्ताक्षर की जगह पूरा नाम लिखेंगे, अपना हस्ताक्षर शॉर्टकट हस्ताक्षर नहीं करेंगे, शॉर्ट में अपना पूरा नाम लिख देंगे, सिंधु सिंह राठौर, मानकर चलिए सिंधु सिंह राठौर अधिकारी हैं, मतदान अधिकारी, वे अपना नाम लिखे, अपना पद नाम लिख देंगे, मानकर चलिए वह खंड शिक्षा अधिकारी है तो खंड शिक्षा अधिकारी लिख देंगे पद नाम में, और अपना पूरा पता कार्यालय का भर देंगे, चाहे तो वह पद नाम व पते की जगह अपना कार्यालय का यहाँ मोहर भी लगा सकते हैं। फिर यह नीचे दूसरा भाग है घोषणा का, यह तब भरा जाता है अगर हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन वाला हिस्सा भरा गया घोषणा में, तो ही यह भाग तो भरा जाएगा। इसको आप देख सकते हैं एज यूजुअल है, इसमें क्रम संख्या वगैरह भरी जाएगी और फिर इसमें महेश रमेश अपना पहचानने वाले में महेश लिख दिया जाएगा, निर्वाचक में रमेश लिख दिया जाएगा और फिर सिंधु सिंह राठौर इसमें दो जगह इसको प्रमाणित भी करेंगे इस हिस्से को, जो हस्ताक्षर जो घोषणा का दूसरा भाग है उसमें सिंधु सिंह राठौर दो जगह इसको प्रमाणित करेंगे। इस तरीके से यह घोषणा भरी गई। अब घोषणा भरने के बाद अनुप्रमाणित घोषणा हो गई, इसको मोड़ दिया जाएगा और जो ये जो लिफाफा है छोटा लिफाफा है जिसमें वोट रमेश ने डाल दी, इसको सील कर दिया। अब दोनों को एक बड़ा लिफाफा होगा, छोटा सा बड़ा लिखा हुआ है 13C नाम का, इस 13C नाम के लिफाफे को इस तरीके से इसमें डाल देंगे दोनों को और इसको सील कर दिया जाएगा और इस पर आप देख सकते हैं यहाँ एंट्री कर दी जाएगी। इसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख दिया जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ लोकसभा का नाम लिख दिया जाएगा मतदाता की, और यहाँ कार्यालय का पता लिख दिया जाएगा रिटर्निंग अधिकारी के, और सिग्नेचर ऑफ सेंडर यहाँ मतदाता के हस्ताक्षर यहाँ नाम लिख दिया जाएगा। अब मतदान हो गया, जो मतदाता था उसने अपना वोट डाल लिया। अब उसके बाद क्या, मतदान के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, जो 13C लिफाफा है उसको एक कैनवास बैग में रख लेंगे मतदान अधिकारी। और फिर एक चीज़ और हो सकती है, अगर मतदाता पहले दिन घर नहीं मिल रहा है तो उसके घर के बाहर एक सफ़ेद पेपर पर, एक ब्लैंक पेपर पर लिख देंगे कि फला फला तारीख में हम आपके यहाँ आए थे और आप अनुपस्थित मिले, इसलिए हम कल भी आएंगे, उसमें तारीख लिख देंगे कि कल दिनांक में भी हम आएंगे और अगर आप कल नहीं मिलते फिर हम नहीं जाएंगे, यानी वहाँ उसमें स्पष्ट रूप से लिख देंगे और उसकी वीडियोग्राफी कर लेंगे, उस चीज़ की फ़ोटो वगैरह खींच लेंगे, यानी सूचना चस्पा करके आ जाना होगा। और अगर दूसरे दिन भी वह नहीं मिलता तो फिर तीसरी बार नहीं जाना होता, मतदाता के घर दो बार ही जाएंगे, अगर वह नहीं मिलता तो अगले दिन जाना होता है, फिर चस्पा कर देंगे। अच्छा, इतना करने के बाद दूसरे घर निकल जाएंगे, BLO और लेखपाल की मदद से दूसरे घर चले जाएंगे और फिर शाम के समय इस तरीके से मतदान खत्म कर लेंगे और जितने भी हमें 13C कैनवास बैग में लिफाफे प्राप्त हुए हैं वह कैनवास बैग को वापस लाएंगे, पुलिस अभिरक्षा में जो आपकी गाड़ी थी जमा कराना होगा जहाँ से पार्टी रवानगी हुई थी, एक प्रतिपर्ण का लिफाफा तैयार कर लेंगे, एक अवशेष जो हमारे मतपत्र हैं उसका पोस्टर बैलेट का एक लिफाफा तैयार कर लेंगे, जो अनेक्सर वाले लिफाफे हैं उसको तैयार कर लेंगे और अन्य सामग्री जो भी मतदान सामग्री है उसको तैयार कर लेंगे और कैनवास बैग का जो लिफाफा है उसको सील भी कर लेंगे और सील करने के बाद जो चुनाव सामग्री की है सभी उसे कार्यालय में जमा करा देंगे। इस तरीके से यह संपूर्ण मतदान की प्रक्रिया है। दूसरे दिन तभी जाना होगा अगर कोई मतदाता रह जाता है, पहले दिन नहीं मिलता तो दूसरे दिन तभी उसी कंडीशन में जाना होगा, नहीं तो मतदान की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।